एमएस वर्ड सीरीज का ये पार्ट 4 वीडियो है जिसमें आज हम जानेंगे एमएस वर्ड में पिक्चर्स और शेप्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और पिक्चर्स और शेप्स से रिलेटेड ढेर सारे ऑप्शंस को डिटेल में सीखेंगे क्योंकि इन ऑप्शंस का यूज एमएस वर्ड में काफी ज्यादा किया जाता है। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि ये सभी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ आ सके। पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड के टेबल तक के सभी ऑप्शन को कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाते हुए, चाहे आप रिज्यूम बना रहे हो या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, अगर आप उसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और जिस भी लोकेशन पर आपकी पिक्चर सेव है वो आपको लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरे यहाँ पर पिक्चर के अंदर ये फोटो यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो भी फोटो आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करना है और आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फोटो के साइज को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कोने पर इसके कर्सर को रखेंगे। जैसे कि आप कोने पर कर्सर रखेंगे तो इस तरह से कर्सर बन जाएगा। आपको इसको लेफ्ट क्लिक से पकड़कर इस तरीके से छोटा कर लेना है और अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो इसी तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे और आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही आप पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट टैब एक्टिव हो जाएगा। जब आप पिक्चर को सिलेक्ट रखते हैं तभी आपका फॉर्मेट टैब एक्टिव होता है। अगर आप खाली जगह पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका फॉर्मेट टैब यहाँ से गायब हो जाएगा। बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा फॉर्मेट टैब यहाँ से शो नहीं हो रहा है, तो जैसे ही आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तभी आपका फॉर्मेट टैब यहाँ पर एक्टिव होगा। पिक्चर पर डबल क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट टैब के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल क्लिक करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेट टैब यहाँ पर शो होगा और डबल क्लिक करेंगे पिक्चर पर तो फॉर्मेट टैब के सभी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ फॉर्मेट टैब में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है रिमूव बैकग्राउंड। इसका यूज करके आप अपने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से पिंक कलर में हाईलाइट होकर आपका पिक्चर आ जाएगा। सबसे पहले जो आपके अंदर वाला बॉक्स दिख रहा है इसको आपको अपने पिक्चर के बॉर्डर पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। लेफ्ट क्लिक से आप इसके कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस तरह से आपको अपने पिक्चर के बॉर्डर पर इसको सेट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है मार्क एरियाज टू की, यानी कि जिस भी एरिया को आप रखना चाहते हैं अपने पिक्चर के अंदर वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इस ऑप्शन के थ्रू। तो पहले आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके माउस पॉइंटर पर इस तरीके से पेंसिल का आइकन बनकर आ जाएगा। अब जिस भी एरिया को आपको रखना है, यानी जिसको आप क्रॉप नहीं करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक दबाए रखेंगे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये आप देख सकते हैं लाइन आ गई। इस तरह से आपको जो जो एरिया रखना है, जैसे कि मैं इस पिक्चर को रखना चाहता हूँ तो मैं इसको लेफ्ट क्लिक से पकड़ पकड़ कर इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन मिलेगा मार्क एरियाज टू रिमूव। इस पर क्लिक करके आप उस एरिया को मार्क करेंगे जो आप हटाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं इस बैकग्राउंड को हटाना चाहता हूं तो मैं इसको इस तरीके से यहां पर लाइन खींच देता हूं। ये आप देख सकते हैं पूरा पिंक हो गया, यानी कि ये हमारा हट जाएगा। और जितने एरिया को आप हटाना चाहते हैं उतने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और ये आप देख सकते हैं आपका ये पिंक कलर यहाँ पर सारे में हो चुका है। यहाँ पर बीच का भी फोटो आपका सिलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपको मार्क एरियाज टू कीप इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस तरीके से आपको ये बीच वाला एरिया सिलेक्ट कर लेना है। तो जहां जहां से आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद कीप चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा करेक्शंस का। इस पर क्लिक करके आप अपने फोटो के ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले मिलेगा शार्पन या सॉफ्टन। इस पर आप कर्सर रोकेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टन 25% और आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको शार्पन 25%, शार्पन 50% ये ऑप्शन मिलेंगे। आप फोटो पर भी देख पा रहे होंगे आपके फोटो पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। जो भी आप रखना चाहते हैं शार्पन सॉफ्टन वो रख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर मिलेगी ब्राइटनेस, इस पर कर्सर रोकेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइटनेस +20% और कॉन्ट्रास्ट -40%। इसी तरह से हर ऑप्शन पर आप कर्सर रोकेंगे तो उसकी डिटेल मिल जाएगी और आपके फोटो पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो भी आपको बेहतर लगे उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से जो भी आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा कलर का। इस पर क्लिक करके आप अपने कलर को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले इस पिक्चर को बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तरह तरह के कलर टोन मिल जाएंगे। जो भी आप लेना चाहते हैं उस पर कर्सर रोकेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके पिक्चर पर ये अफेक्टेड हो जाएगा। जो आपको बेहतर लगे वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया और ये इस टाइप से आपका कलर टोन चेंज हो गया। इसके अलावा कलर के अंदर ही नीचे आपको मिलेगा मोर वेरिएशन। इस पर क्लिक करके आप अपने मन चाहे कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कलर यहाँ पर आपको बेहतर लगे उस पर कर्सर रोककर आप देख सकते हैं और किसी भी कलर को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मिलेगा आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर तरह तरह के आर्टिस्टिक इफेक्ट मिल जाएंगे। अगर आप इस टाइप से कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं अपने पिक्चर पर तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। बस कर्सर को होल्ड करके रखना है हर ऑप्शन पर और जो आपको बेहतर लगे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
अगला ऑप्शन मिलता है कंप्रेस पिक्चर्स। इस पर क्लिक करके आप अपने पिक्चर के साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करना है, तो आपका पिक्चर कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि इसका साइज कम हो जाएगा। इसका पता जब चलेगा, जब अपनी फाइल को आप सेव करेंगे तो वहां पर आपका पिक्चर ये थोड़ा सा ब्लर होकर यानी कम क्वालिटी में सेव होगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है चेंज पिक्चर का। इसका यूज करके आप अपने ऑलरेडी लगे हुए पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर लगा लेते हैं और आप चाहते हैं कि सेम उसी साइज का और उतना ही बड़ा फोटो आपका चेंज हो जाए, तो आप चेंज पिक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से विंडो आएगी। आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है और जिस भी लोकेशन पर से आपको फोटो सेलेक्ट करना है वो फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है फाइल के अंदर। जैसे कि मैंने ये फोटो सेलेक्ट किया, इंसर्ट करेंगे तो इतना ही बड़ा फोटो आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेट पिक्चर का। इस पर क्लिक करके आप अपने पिक्चर को रिसेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपने ये फॉर्मेट वगैरह अप्लाई किया है ये पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ रिसेट पिक्चर पर, और ये आप देख सकते हैं आपका पहले जैसा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं पिक्चर स्टाइल्स। यहाँ पर आपको तरह तरह के पिक्चर के स्टाइल मिल जाएंगे। जो भी स्टाइल्स आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, और वही स्टाइल आपका पिक्चर पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है पिक्चर बॉर्डर। अगर आप अपने पिक्चर में बॉर्डर देना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जिस भी कलर का आपको बॉर्डर देना है वो कलर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बारीक सा बॉर्डर हमारा यहाँ पर आया है। अगर आप इसको मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करना है और यहाँ वेट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप जितना भी मोटा बॉर्डर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 पॉइंट 4 पॉइंट 6 पॉइंट, यहाँ पर आप जो भी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 3 पॉइंट मैंने किया और ये आप देख सकते हैं हमारा बॉर्डर लग चुका है। उसके बाद में आपको बॉर्डर के अंदर ही अगला ऑप्शन मिलता है डैशेस का। इस पर क्लिक करके आप अपने बॉर्डर को डैशेस कर सकते हैं, यानी कि बॉर्डर की जो लाइन है ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप जो भी डैशेस देना चाहते हैं जिस भी टाइप के, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और ये आप देख सकते हैं हमारा इस टाइप से बॉर्डर लग चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पिक्चर इफेक्ट्स। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला है प्रीसेट। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको काफी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आप हर एक ऑप्शन पर कर्सर को रोककर चेक कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट आपको बेहतर लगे वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी अच्छे अच्छे इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जो भी आप लगाना चाहें वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट में ही अगला ऑप्शन है शेडो का। इसका यूज करके आप अपने पिक्चर को शेडो दे सकते हैं, यानी कि परछाई दे सकते हैं। तो जो भी परछाई आप देना चाहें कर्सर को रोक कर रखेंगे और जो भी आपको बेहतर लगे वो आप शेडो दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडो आ चुकी है। उसके बाद में है यहाँ पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पर क्लिक करके आप इस तरीके से अपने पिक्चर में कोई भी रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे की साइड हमारा ये रिफ्लेक्शन हो चुका है। जो भी रिफ्लेक्शन आप देना चाहें वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है ग्लो का। इस पर क्लिक करके आप अपने फोटो को ग्लो दे सकते हैं, यानी कि कोई भी हल्का कलर आप अपने फोटो के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कलर लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्लो होकर हमारा फोटो के बैकग्राउंड में आ चुका है। तो पिक्चर इफेक्ट के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी इफेक्ट आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन मिलता है एक आपको 3D रोटेशन। इस पर क्लिक करके आप अपने फोटो को 3D में रोटेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ से 3D रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट के बाद नीचे आता है पिक्चर लेआउट। इस पर क्लिक करके आपके सामने काफी सारे लेआउट्स आ जाएंगे। जो भी लेआउट्स आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बस कर्सर को होल्ड करके रखेंगे और जो भी आपको बेहतर लगे वो आप लेआउट दे सकते हैं। इसका यूज मोस्टली लिस्ट बनाने के लिए होता है कि अगर आपको पिक्चर के साथ में कोई भी नाम देना है तो वो आप यहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, तो इस तरह का फॉर्मेट आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक इस तरह से बॉक्स मिलेगा। जो भी नाम आप यहाँ पर टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया मैंगो, एंटर दबाएंगे तो एक और यहाँ पर इस तरीके से लेबल आ जाएगा और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आएगा टाइप करने का। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ग्रेप्स। अगला ऑप्शन आया, यहाँ पर मैंने टाइप किया बनाना, तो इस टाइप से बनकर आ जाएगा। और इस साइड में आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर लगाने के लिए आपको यहाँ पर इन बॉक्सेस में क्लिक करना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर फाइल खुल कर आएगी। ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर आप देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रेप्स का पिक्चर आ गया। अब यहाँ मैं बनाना का पिक्चर देना चाहता हूँ, तो बनाना वाले बॉक्स में क्लिक करूंगा, फाइल आ गई। फिर से यहाँ से बनाना वाला मैं पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाना का पिक्चर आ गया। अब यहाँ पर आप इस फोटो को अगर चेंज करना चाहें तो आप इस बॉक्स पर क्लिक भी करेंगे तो भी आपका चेंज नहीं होगा। तो इसको आपको दूसरे तरीके से चेंज करना है, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था। उसके लिए आपको जाना है फॉर्मेट टैब में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है चेंज पिक्चर का। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी फोटो चेंज करना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंगो मैंने सिलेक्ट किया, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं सेम साइज में हमारा फोटो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा लेआउट हमारा तैयार हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पोजिशन का।
ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। इसको समझने के लिए पहले यहाँ पर मैं रैंडम टेक्स्ट ले आता हूँ। उसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, और आपके सामने रैंडम टेक्स्ट आ चुका है। तो सबसे पहले मैं पेज को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और यहाँ हम थोड़ा सा अपने पिक्चर को भी छोटा कर लेते हैं। उसके बाद में आपको फॉर्मेट टैब में आने के लिए अपने पिक्चर पर डबल क्लिक करना है और आपका फॉर्मेट टैब आ जाएगा। पोजीशन के थ्रू आप अपने इमेज की पोजीशन सेट कर सकते हैं कि पेज पर किस जगह पर आपको इमेज को रखना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको तरह तरह की पोजीशन की सेटिंग मिल जाएगी। जिस भी जगह पर आप पोजीशन लाना चाहते हैं अपने इमेज की, वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बॉटम राइट सिलेक्ट किया और ये आप देख सकते हैं पेज के बॉटम राइट में हमारा ये इमेज आ चुका है। इसी तरह से आप सेंटर में लाना चाहते हैं सेंटर सिलेक्ट करेंगे, मिडिल टॉप में लाना चाहते हैं तो मिडिल टॉप सिलेक्ट करेंगे, और ये आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट भी ब्रेप हो रहा है और यहाँ पर आपका पिक्चर मिडिल टॉप में आ चुका है। अगला ऑप्शन है ब्रेप टेक्स्ट का, ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। तो जैसे कि मैंने ब्रेप टेक्स्ट पर क्लिक किया, उसके बाद पहला ऑप्शन आपको मिलता है इन लाइन विद टेक्स्ट। इस पर क्लिक करके आप अपने इमेज को अगर नीचे की तरफ इस तरह से पकड़ कर लाएंगे तो आप देख सकते हैं लाइन के बीच में आपका इस तरीके से इमेज सेट हो जाएगा। ब्रेप टेक्स्ट में अगला ऑप्शन मिलेगा स्क्वायर का, इस पर क्लिक करके आप अपने इमेज को स्क्वायर शेप में ब्रेप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारा ये स्क्वायर शेप के अंदर इमेज है और चारों तरफ इसके टेक्स्ट फैला हुआ है। अगला ऑप्शन है टाइट का, इसका यूज करके आप अपने टेक्स्ट को अपने इमेज से सटा सकते हैं, यानी कि बिल्कुल मिला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वायर के अंदर हमारा ये टेक्स्ट यहाँ से दूर दूर है इस इमेज से, और अगर हम चाहते हैं कि इसके करीब आ जाए, इससे मिल जाए बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर टाइट पर क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मिलकर इससे हमारा टेक्स्ट आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को सटा सकते हैं टाइट ऑप्शन के थ्रू। तो इस तरह से आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे ब्रेपिंग से रिलेटेड। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है बिहाइंड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट के पीछे भेज सकते हैं अपने इमेज को। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अगर आप इसको फ्रंट पे वापस लाना चाहते हैं तो ब्रेप के अंदर ही अगला ऑप्शन मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगा। ब्रेप के बाद में आपको ऑप्शन मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड टू बैक का। इसका यूज समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ इमेज ले आता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर ले ली है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ पिक्चर बिल्कुल पीछे है, जैसे कि ये इमेज इन दोनों पिक्चर के पीछे है और ये वाला इमेज इस वाले पिक्चर के पीछे है लेकिन उस पिक्चर के आगे है। तो अब अगर आप इस कीबोर्ड वाले इमेज को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर जो ये एरो बना हुआ है आपको इस पर करना है क्लिक। तो अगर आप कीबोर्ड वाले इमेज को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे और एक ही बार में ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपका पिक्चर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कीबोर्ड वाला पिक्चर है ये जॉयस्टिक के ऊपर आ जाए और अनार वाले पिक्चर के पीछे रहे, तो आपको यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड में पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जॉयस्टिक के ऊपर आ गया और अनार वाले इमेज के पीछे है। तो आप समझ गए होंगे कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो एक एक स्टेपल के ऊपर लाने के लिए है और ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करके आप इसे सबसे ऊपर ला सकते हैं एक ही बार में। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको सेंड बैकवर्ड का, इसमें भी आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन करके पीछे आ गया, जैसे कि अनार वाले के पीछे है और उसके आगे है। लेकिन इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है सेंड टू बैक का, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पीछे आपका इमेज पहुंच जाएगा। तो आई होप इन ऑप्शन का यूज आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से किया जाता है। अगला ऑप्शन आपको मिलता है सिलेक्शन पेन का, इस पर क्लिक करके आपके सामने इस तरीके से एक पेन खुलकर आ जाता है। इसका यूज क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल पिक्चर्स पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उस पिक्चर का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पिक्चर का नाम दे देता हूँ पोमेग्रेनेट, मैंने इसका नाम दे दिया। इसी तरह से आप इस वाले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और आप इसका नाम दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया जॉयस्टिक। तो इस तरीके से आप सभी पिक्चर का नाम दे सकते हैं जैसे कि मैंने दे दिया है। इसका बेनिफिट यह होगा कि अगर आपको यहाँ पर ये पोमेग्रेनेट वाला सिलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं आपका ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप कीबोर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे और आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे तो इसका यूज ज्यादा नहीं होता है लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। अगला ऑप्शन है अलाइन का, इसका यूज भी सेम पोजीशन की तरह ही होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, अगर आप इसको सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं सेंटर पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं सेंटर अलाइन हो गया। इसी तरह से राइट में लाने के लिए राइट अलाइन, तो आप इसको अपने पेज की जिस जगह पर भी लाना चाहते हैं जैसे कि हमने पोजीशन में समझा था उसी तरह से आप इसको ला सकते हैं। जैसे कि मैं बॉटम में लाना चाहता हूँ, बॉटम सेलेक्ट किया, ये बॉटम में आ गया, और अगर मैं इसके बॉटम के सेंटर में लाना चाहूँ तो अब यहाँ पर अलाइन सेंटर करूंगा तो ये सेंटर में आ चुका है। इस तरीके से आप अलाइन वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ग्रुप का, इसका यूज करके आप मल्टीपल पिक्चर्स को एक ग्रुप में बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं दूसरा पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दो पिक्चर इंसर्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये अभी फिलहाल अलग अलग हैं, अगर आप इनको ग्रुप करना चाहते हैं ताकि एक बार में ये मूव हो जाए सिलेक्ट करने पर,
तो पहले आपको शिफ्ट के साथ में दूसरा पिक्चर को क्लिक करना है। ये आपके दोनों सिलेक्ट हो गए, दोनों पे बाउंड्री बॉर्डर आ गया, यानी कि ये दोनों सिलेक्टेड हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन पर आना है, और जैसे ही आप इस पर ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक ग्रुप इसका बन जाएगा। अब आप इसको मूव भी करेंगे तो भी आपका दोनों ये एक साथ ही मूव होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप किसी भी एक पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका अंदर वाला पिक्चर भी एक्टिव हो जाएगा। आप उसको मूव करेंगे तो सिर्फ एक पिक्चर ही मूव होगा, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है तभी आपका वो काम करेगा। उसके बाद में जैसे मैं खाली जगह पर क्लिक करता हूँ, दोबारा सेलेक्ट किया तो अब आपका फिर से ये ग्रुप बन गया, और डबल क्लिक करेंगे तो कोई सा भी एक पिक्चर आप इजीली मूव कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं इसको अनग्रुप करना तो इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद ग्रुप में आपको अनग्रुप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने फोटो को ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप के बाद में ऑप्शन मिलेगा रोटेट का, रोटेट का यूज करके आप अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा रोटेट राइट 90 डिग्री, यानी आपको अगर राइट की साइड को इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, इस पर क्लिक करेंगे या आप देख सकते हैं राइट में हमारा 90 डिग्री रोटेट हो गया। लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में 90 डिग्री करेंगे, ये लेफ्ट हो गया। इसी तरह से आप जहाँ को भी इसको रोटेट करना चाहें वो आप रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा मिलता है आपको फ्लिप का ऑप्शन, जैसे कि मैं यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारा इमेज ऊपर की तरफ वर्टिकली फ्लिप हो गया। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मिलता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक करके आप अपने पिक्चर को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ड यहाँ पर ये इस टाइप से साइड में हो गए, फ्लिप हो गए। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका ये फिर से फ्लिप होकर नॉर्मल हो जाएगा। इसका यूज ज्यादातर मिरर इफेक्ट देने के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन मिलेगा क्रॉप का, इस पर क्लिक करके आप अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप शेप में क्रॉप करना चाहते हैं तो आप शेप सेलेक्ट करके शेप के अंदर इसे क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली क्रॉप करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका साइड में ड्रॉ वाला आइकन बनकर आ चुका है। इसको आपको लेफ्ट क्लिक से दबाए रखकर जितना भी आप इसको क्रॉप करना चाहें वो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद खाली जगह पर आपको क्लिक करना है और आपका ये क्रॉप होकर आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा इतना ही क्रॉप हो चुका है। क्रॉप के अंदर दूसरा ऑप्शन था शेप वाला, अगर आप शेप में इसको क्रॉप करना चाहें तो आप शेप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने राउंड शेप सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं राउंड शेप में हमारा ये क्रॉप हो चुका है। क्रॉप के बराबर में ऑप्शन मिलेगा साइज का, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने इमेज का साइज सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ अभी फिलहाल ये 5.25 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 10 सेंटीमीटर टाइप किया तो यहाँ पर ये ऊपर का भी ऑटोमेटिक सेट हो गया और उसी रेशियो में आपका यहाँ पर बनकर आ जाएगा। तो आई होप सारे ऑप्शन यहाँ के कवर हो चुके हैं पिक्चर फॉर्मेट वाले। इंसर्ट टैब के अंदर अगला ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन पिक्चर्स का, अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, यहाँ पर आपको सर्च बिंग में जो भी पिक्चर आप लाना चाहते हैं अपनी फाइल में वो टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रोज टाइप करता हूँ, एंटर दबाएंगे तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे गुलाब के फूल यहाँ पर आ चुके हैं। जो भी इमेज आप लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन आपको मिलेगा शेप्स का, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर तरह तरह की शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा लाइंस का ऑप्शन, लाइन पर क्लिक करके आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक दबाए रखकर लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ रही है। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो आप देख सकते हैं आप कहीं भी कर्सर को मूव करें आपका ये सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी। इसी तरह से आपको यहाँ पर और भी शेप्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पर मैंने क्लिक किया, इस तरह से कर्सर बनकर आ जाएगा। लेफ्ट क्लिक दबाए रखकर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। यहाँ पर हमारे रेक्टेंगल में कलर फील है तो आप अगर इसको हटाना चाहते हैं तो फॉर्मेट टैब आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। इसमें आपको शेप फील में जाना है, शेप फील पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको नो फिल कर देना है, आपका ये कलर यहाँ से हट जाएगा। तो इसी तरह से आप जो भी शेप्स लेना चाहते हैं आप सिंपली उसको ड्रॉ कर सकते हैं और आपका शेप्स वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। शेप्स के अंदर ही एक ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट बॉक्स का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक होकर आ जाएगा, यानी आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले इसका साइज एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एमएस वर्ड। जैसे ही आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेट टैब का विंडो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है इंसर्ट शेप का ऑप्शन, यानी कि आप बिना इंसर्ट टैब में जाए यहीं से ही अपने शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एड शेप का, जैसे कि मैं यहाँ पर एक शेप इंसर्ट किया, इसका कलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नो फिल मैंने कर दिया। अब एडिट शेप पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, चेंज शेप, यानी अगर आप इस शेप को किसी और शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं रेक्टेंगल राउंड वाला सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं राउंड रेक्टेंगल यहाँ पर ये बन चुका है। तो यहाँ से आप अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा एडिट पॉइंट्स का,
इस पर क्लिक करके आपके सामने इस तरीके से ब्लैक ब्लैक पॉइंट आ जाएंगे। किसी एक पॉइंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह के बॉक्सेस आएंगे। लेफ्ट क्लिक से अगर आप इन बॉक्सेस को पकड़कर मूव करते हैं तो आप अपने शेप को कर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको कर्व कर लिया। अब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर दो बॉक्सेस आए, अब यहाँ से मैं इस तरीके से इसको कर्व कर देता हूँ। तो जिस भी तरह से आप अपने शेप को कर्व करना चाहें इस तरीके से आप पॉइंट सिलेक्ट करके कर्व कर सकते हैं। एडिट शेप्स के नीचे मिलता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया और ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ चुका है। इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और उसके आगे आपको मिलता है शेप स्टाइल्स, यहाँ पर आपको तरह तरह के स्टाइल मिल जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टाइल शो होंगे, जो भी आप देना चाहें वो स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद में आपको मिलता है शेप फिल, इस पर क्लिक करके आप अपने शेप के अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर करा तो ये ब्लैक हो गया। जो भी कलर आप देना चाहें वो आप यहाँ से इजीली दे सकते हैं। उसके बाद मिलेगा शेप आउटलाइन, इस पर क्लिक करके आप अपने शेप में आउटलाइन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने रेड आउटलाइन सिलेक्ट की, यहाँ पर ये छोटी सी बहुत बारीक आउटलाइन आ रही है। अगर आप इसको मोटा करना चाहें तो शेप आउटलाइन में नीचे ऑप्शन मिल जाता है वेट का, यहाँ से आप जितना भी वेट देना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में शेप आउटलाइन के अंदर ही डैश का ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से आप डैश दे सकते हैं अपने आउटलाइन के अंदर, जो हमने अभी पहले भी आपको बताया था। इसके अलावा गाइस शेप फिल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर का, अगर आप अपने शेप के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज में जाएंगे और जो भी पिक्चर आप लेना चाहते हैं यहाँ पर वो पिक्चर आपको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस शेप के अंदर हमारी ये पिक्चर आ चुकी है। इसके अलावा शेप फिल के अंदर दूसरा ऑप्शन है ग्रेडियंट का, यहाँ से आप अपने पिक्चर को ग्रेडियंट दे सकते हैं, यानी कि दो कलर जो मिक्स होते हैं वो आप यहाँ से आपको तरह तरह के देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा लाइट है, यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर है, इसी तरह से आप ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मिलता है टेक्स्चर, इसके थ्रू यहाँ पर आपको तरह तरह के टेक्स्चर मिल जाएंगे। जो भी टेक्स्चर आप देना चाहें उस पर कर्सर रोककर आप पहले चेक कर सकते हैं, जो भी बेहतर लगे आपको वो टेक्स्चर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है शेप इफेक्ट्स का, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर तरह तरह के इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। प्रीसेट में आपको यहाँ पर वही ऑप्शन मिलेंगे जो मैंने पहले आपको बताए थे, यहाँ से आप अपने शेप में भी इफेक्ट दे सकते हैं। तो वो सभी सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि हमें पिक्चर वाले ऑप्शन में मिल रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लो का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको शेडो, रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन, सभी ऑप्शन वही आपको सेम मिल जाएंगे। इसके अलावा नई चीज़ आपको यहाँ पर ये मिलती है कि वर्ड आर्ट स्टाइल जो है आपको मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पर वर्ड ले रखा है अपने शेप के अंदर तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके थ्रू आपके जो अंदर के वर्ड्स लिखे हुए हैं इन पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्मेटिंग आप देना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसी फॉर्मेटिंग में आपका वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट फिल का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी कलर देना चाहें अपने टेक्स्ट के अंदर वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके नीचे मिलेगा आउटलाइन का ऑप्शन, जैसे कि हमारी आउटलाइन यहाँ पर येलो है, अगर आप इसको व्हाइट करना चाहें तो व्हाइट सेलेक्ट करेंगे और ये आप देख सकते हैं व्हाइट आउटलाइन हो गई। इसी तरह से अगर आप इसको हटाना चाहते हैं आउटलाइन को तो यहाँ पर नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और आपकी आउटलाइन यहाँ से हट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट का, इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शेडो देना चाहता हूँ टेक्स्ट में तो शेडो दे सकता हूँ यहाँ से। रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन आ गया। इसी तरह से आपको तरह तरह के यहाँ पर टेक्स्ट मिल जाएंगे, 3D रोटेशन या जो भी आप चाहें वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लास्ट में मिलेगा ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका टेक्स्ट आ चुका है। अगला ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन का, इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्री, तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री आपकी ये रोटेशन चेंज हो गया। इसी तरह से अगर आप इस पर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन करेंगे रोटेट 270 डिग्री, तो ये आपका दूसरी साइड में रोटेट हो चुका है। अगला ऑप्शन आपको मिलता है अलाइन टेक्स्ट का, इसको समझने के लिए पहले शेप को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अलाइन टेक्स्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडिल का ऑप्शन है, मिडिल में थोड़ा बीच में आ गया आपका टेक्स्ट। अगर आप बॉटम में लाना चाहते हैं बॉटम करेंगे, नीचे बॉटम में आ गया थोड़ा, और टॉप में लाना चाहते हैं तो बिल्कुल टॉप में आ चुका है। अलाइन टेक्स्ट के थ्रू आप अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रैब लिंक का, इसका यूज़ करके आप अपने एक शेप को दूसरे शेप से लिंक कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। उसके बाद आता है पोजीशन, ये सेम वही ऑप्शन है जो मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर में बता दिए हैं। उसी तरह से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, पेज में जहाँ भी आप इसको रखना चाहें वो पोजीशन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है ब्रेक टेक्स्ट, ये भी ऑलरेडी आपको बता दिया था। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और ये सभी ऑप्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई थिंक शेप से रिलेटेड भी सभी ऑप्शन हमने अच्छे से सीख लिए हैं।
इंसर्ट टैब में पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, ये तीन ऑप्शन अच्छे से कवर हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्मार्ट आर्ट और चार्ट के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।